You don't want my heart, you don't want my love. You just want me crying over you. You don't want my heart, you don't want my love. You just want me crying over you. I'm thinking about you. भाई ये फिश टनल और फिश बर्ल्ड दोनों बोल सकते हैं इसे, और उसमें काफी तरह तरह की फिशें रखी गई हैं, मतलब डिस्प्ले करने को, और काफी मजा आएगा इस मेले को एक्सप्लोर करने में। बहुत भीड़ भी लगी हुई है और जगह जगह भी लगता है। इससे पहले दिल्ली लगा हुआ था, अब आगरा में लगा हुआ है, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। क्यों रिजवान भाई, पूरा फतेहाबाद रोड भाई इससे भर के चल रहा है इस मेले के चक्कर से। इसमें मछलियां दिखाई जा रही है तरह तरह की, बड़ी भी है और बहुत ज्यादा छोटी भी है, सब तरीके की मछलियां हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा इसे घूमने में, और भीड़ भी आज काफी है। और उसका टिकट का प्राइस है वो है 100 रुपए, और आपको डिटेल बताते हैं बाकी आगे, और टिकट लेते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ। इसकी टिकट का प्राइस 100 रुपए, जैसा कि भी आपको स्टार्टिंग में बताया था। और ये इसकी एंट्रेंस है, टिकट ज्यादा काफी महंगी है क्योंकि ज्यादा बहुत सारी मछली लगाई है, उसके ऑफ कोर्स मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा होगा। क्यों रिजवान भाई, मछली महंगी आती है, सस्ती में आती है, और उसमें मर भी जाती है, ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती है मछलियाँ, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जैसी भी होती है। और भाई भीड़ देख ही सकते हो हमारे पीछे कितनी हो रही है, भाई भीड़ रुक नहीं रही है। और अभी जो था क्या कहते हैं संडे निकल के गया है, संडे को तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। फटाफट चलते हैं इसके अंदर और आपको बताते हैं इसकी कुछ एंट्रेंस, तो फटाफट से चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको क्या सीन है। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों रिजवान भाई, क्या कहना है तुम्हारा? मैंने रील्स वगैरह में देखा, काफी ज्यादा मस्त लग रही है भाई, जो डिस्प्ले हो रही है ना मछलियाँ, वो देखने में काफी ज्यादा बहुत तगड़ी लग रही है भाई। आज से स्टार्टिंग में पहले हम आए थे, हमें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, हमने इसे छोड़ दिया, स्टार्ट हो गया भाई माहौल। ये भाई पीछे देखो सब ब्लू, इसमें बहुत ज्यादा ब्लू दिख रहा है भाई। भाई यहाँ पर स्टार्टिंग में ये मछलियाँ है जिनका नाम है वाइपर, क्या आदर्श भाई वाइपर नाम है इसका। हाँ भाई ये गंदगी खाती है भाई, ये फूड नहीं खाती है, वो साफ करती रहती है अपने एक्वेरियम को। ये मछलियाँ पहले आदर्श भाई इज वेरी नॉलेजेबल, ये गोल्ड है अबाउट मछली, ये देखो ये गोल्ड मछली है भाई, आदर्श ही बताता रहेगा मछलियों के बारे में सबका नाम। ये इसका नाम यार, ये ब्लैक वाली भी थी, मेरे पे नाम निकल गया इसका यार दिमाग से। चलो कोई बात नहीं भाई, ये मछली है, इसका भी नाम बता आदर्श। इतनी बड़ी नहीं पाली भाई। नहीं भाई आदर्श थोड़ा यहाँ पे फेल हो गया, काफी ज्यादा सही लग रही है भाई मछलियाँ भी, और दिखाते हैं आपको कितनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं इसमें, बहुत तरह की वैरायटी की मछलियाँ हैं इसमें, बहुत सारी हैं। क्यों रिजवान भाई क्या कहना चाह रहे हो? बताया था आपको छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं इसमें, जो कि मर भी जाती हैं इसमें भाई, भीड़ वो कोने में मर रही है छोटी सी, हाँ मर भी जाती है इसमें भाई, भीड़ तो अल्टीमेट है यार। यू डोंट वांट माय हार्ट, यू डोंट वांट माय लव, यू जस्ट वांट मी क्राई। एक मछली, इसका नाम मान तो बहुत सारी वैरायटी है इसमें, नाम मान तो मैं किसी का नहीं मालूम, देख सकते हो ये इसने नामकरण कर दिया इसका, ट्रांसपेरेंट लग रही है यार वो देखने का, और वैसे भी आपको कोई इतना नॉलेजेबल नहीं होगा जिसको सारी मछलियों का नाम पता होगा। सही बात है, मछलियाँ अभी रिजवान भाई ने बताया वो अभी इसका सिनेमैटिक आपने देखा होगा, ये सारी मछलियाँ जो झुंड में ही रहती हैं भाई, झुंड से अलग नहीं होती हैं मछलियाँ। रिजवान भाई पहले आ चुके हैं, धोखा दे दिया रिजवान भाई ने। तरीके की दिख रही है, ये रही मूंछों वाली अलग, ये थोड़ी यहाँ जो इनका थोड़ा लाइटिंग का है ना, इन्हें ब्लू लाइटिंग करी है, बहुत अजीब लग रही है, तो इस चक्कर में कुछ क्लियर भी नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लू दिख रहा है। व्हाइट का थीम लेते हैं, वार्म व्हाइट का लेते हैं, व्हाइट का लेना चाहिए, और उनका भी कुछ अलग सीन होगा भाई। ये भाई एक और गोल्ड है, बहुत सारी है। अभी नहीं देखी जितनी वैरायटी ने डिस्प्ले में लगा रखी है, इसके अकॉर्डिंग तो बिजनेस खोल सकते हैं सबसे बढ़िया। कैसा बिजनेस? हर कोई एक तरीके का नहीं होता, सब अलग अलग तरीके को होता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, तो ऐसा गाइड बन के उसके पास चले और उससे बोलो यहाँ पे बिजनेस सबको बारे में बताएंगे आपको, और इतना चार्ज करेंगे भाई। अच्छा बंदे बसते कोटा पूरा। और ये भी काफी मस्त लग रही है भाई, अलग अलग तरीके की है। यहाँ घिसपेस बहुत ज्यादा है, इस चक्कर में कैमरा बहुत हिलेगा भाई,
ये देख सकते हो उसमें दो तीन कलर की हैं, अलग अलग वैरायटी हैं। ये प्राणा है मेरे अंदाज से, प्राणा है। अब प्राणा तो बड़ी होती है। अबे प्राणा ही है, प्राणा है। हाँ मस्त लग रही हैं, बहुत सारी हैं इसमें और छोटी छोटी हैं भी, दिखाते हैं आपको पास चल के। थोड़ी भीड़ रटती है तो भीड़ बहुत ज्यादा है। ये न्यून कलर की मछलियाँ अलग ही लग रही हैं, छोटी छोटी सी हैं, कुछ मेरे अंदाज से कुछ चमक रही हैं, कुछ नहीं चमक रही हैं, इनका कुछ हिसाब किताब होता है। कुछ में करंट नहीं है, सही बात है भाई, करंट। छोटी शार्क, इन्हें शार्क बोलते हैं। काफी वैरायटी है मछलियों की, वहाँ से पूरे पीछे तक देखो भाई कितना बड़ा है, और भीड़ इसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग रुक रुक के देख रहे हैं। अभी मेन जो गुफा वाली सीन है वो यहाँ से चालू होगा, वो अपनी ये है। इसमें ऊपर कर्व करके थोड़े कांच लगाए गए हैं जिसमें पानी भर रहा है और काफी सारी मछलियां हैं। रिजवान भाई चलेंगे इसके अंदर, चलते हैं भाई और दिखाते हैं आपको। बहुत इसमें काफी रंग बिरंगी मछलियां हैं भाई, अलग ही तरह की दिख रही हैं। देखो भाई बहुत सारी हैं, बहुत सारी मछलियां, छोटी छोटी रंग बिरंगी अलग अलग कलर की हैं, ग्रीन येल्लो बहुत सारी हैं भाई। हाँ भाई भाई बहुत सारी मछलियां हैं। ये ऑक्सीजन डाल लगी है इनकी, आपको नहीं बताओ तो उसके बारे में ऑक्सीजन है। करी वाटर प्रूफिंग कर रखी है भाई इनने। भीड़ है, भीड़ तो बहुत थी पर इसमें जगह कम है और लोग बाग थोड़ा सेल्फी ले लेके चल रहे हैं तो इस चक्कर में भीड़ ज्यादा है। रिजवान भाई अच्छा भाई 100 रुपए टिकट लोग बागों ने दिए तो कुछ फायदा तो उठाएंगे ही। बहुत भीड़ है यार इसमें, बड़ी मछलियों का सेक्शन चालू हो गया। ये भी मस्त लग रही है, काफी बड़ी बड़ी बाइफर, ये मैंने आपको बताया था ये चुपकी रहती है स्टार्टिंग में, ये ऊपर है तेरे नहीं होगा उसे कुछ भाई। बहुत सारी है भाई, बहुत सारी, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, काफी बड़ी मछली। बहुत भीड़ हो रही है, बहुत आवाज हो रही है भाई, देखो यार आगे। इसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत हो गई है, उमस बहुत ज्यादा है भाई। और मछलियां आ गई बड़ी बड़ी, हाँ ये देखो ये भी कुछ अलग पैटर्न है मछलियों का न्यू पैटर्न। ये बहुत ज्यादा शांत है यार, हिली नहीं रही है। तो देख सकते हो कितना पसीना आ गया, काफी सारी मछलियों को देख के हम लोहे कटक में जा रहे हैं। बहुत हो रही है भाई, उल्टे चले गए पीछे वापस, नहीं हाँ अंदर में भी मेला भी है, वो चलेंगे। यहाँ थोड़ा खत्म हो गया, पानी तो है। अबे ये क्या है वे सांप, अबे बहुत बढ़िया भाई, मेरे खासी बड़ी बैठी है। चलते हैं आगे, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत बड़ी बड़ी, एक जगह बहुत सारी वर्दियाँ। सुनिए जैसी एलिगेटर लग रहा है, लो बिता के सुनिए जैसी चोंच लग रही है इसकी तो यार। एलिगेटर वाले ही बोलते हैं एलिगेटर, शायद इसको पसीना देखो भाई कितना आ रहा है, सबका यही हाल हो रहा है इस टाइम यहाँ पर, इतनी गर्मी पड़ रही है। ये देखो भाई कितनी मछली लग रही है, वाली मछली, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ से पीछे छोटी छोटी थी, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे बड़ी बड़ी दिखती गई। कूलर के सामने खड़ा हुआ है, हम भी खड़े होते हैं थोड़ा यहाँ पे पसीने से नहा गए हम तो भाई। भाई यहाँ से निकल आ चुके हैं, यहाँ पर सबसे पहली ये लगी हुई है लड़कियों की, सामान की है तो पहली स्टॉल है। तो खेल था वो था सारा फिश शो का, जो जितनी भी भीड़ थी मेन थी वही, लोग बात सब खाली पड़ी हुई है, दुकानें वकाने इसमें ज्यादा नहीं है। जो सारा मेन खेल है वो फिश ही देखने आ रहे हैं लोग बात। हाँ भाई तरह तरह की फिश वैरायटी और अलग तरीके से लगाया है, कुछ आगरा में पहली बार है मेरे अंदर ऐसे। ये सीन बहुत बढ़िया है, जो कुछ भी लगाया है इनने, हाँ भाई सब बढ़िया है भाई मामला, तभी इतने लोग आ रहे हैं, नहीं तो आते नहीं। 100 रुपए टिकट लोग बात दे भी रहे हैं खूब भाई, पैसा लाखों का बिजनेस अगले रोज का, लाखों का गल्ला उठ रहा होगा। और यहाँ भी काफी भीड़ है भाई, मैजी बात इसलिए करते हैं हम, कॉमर्स के हैं भाई, कॉमर्स के हैं साफ बात जी भाई। पहले बिजनेस देखो लोग बात क्या कैसे क्या प्रोडक्ट में। ये देखो भाई चटक, ये देख ये रिंग डालने वाला गेम है मेरे अंदर ऐसे, क्या लूट चोर उड़ा रहे रिंग रिंग। रिजवान भाई तुमने भी लूटा था स्कूल में, तो वो स्कूल की बात हमें मालूम है, मैंने सच्चाई किया
लगा हुआ है, गेम ही गेम का खेल लगा हुआ है सारा। ये हॉन्टेड हाउस है सामने, और वो एक आध दो झूले लगे हुए हैं पीछे भी हैं, एक आध दो तो नहीं कहेंगे। बहुत खाने पीने की चीजें हैं जो नॉर्मली लगती हैं बाकी सारी मेलों में। भीड़ तो भाई इतनी है क्या बताएं। भीड़ है यार, इसमें बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। आज तो कुछ ऐसा कोई दिन भी नहीं है भाई जो इतनी भीड़ है। भाई रात का समय, रात में सब फ्री होते इसलिए लोग बाग अपनी जॉबों से आ जाते हैं वापस अपने घर, तो हमारे सब आते हैं फिर यहाँ अपना फ्रेश माइंड और फ्रेश मूड लेकर। और क्या कहना है, कुछ बोल दो। टाइम पास करने आ जाते हैं भाई यहाँ पर, कुछ लोगों को देखने, और झूले भी लगे हुए हैं यहाँ पर और खाने पीने का आइटम भी लगा हुआ है, तो उसके साथ एंजॉयमेंट भी होगा भाई। हाँ बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। और उसमें मेन झूले वूले हैं नॉर्मली, फिशेस का था जो मेन खेल था पहला एक्सपीरियंस ही, तो जो कुछ भी लगता है ना यहाँ पर, मिडनाइट बाजार कुछ भी हुआ, जैसे कुछ भी ताज महोत्सव लगता है, ये सारी चीजें तो उसमें ही देखने को मिल जाती हैं। मेन तो फिश है, मेन फिश है टर्किश आइसक्रीम जिसका शो चल रहा है। कितने बैक्टीरिया लग जाते होंगे भाई, बहुत गंदी तरीके से देते हैं। ना मैं भी नहीं लूं। नहीं नहीं वो तो उनका तरीका है। खैर भाई हमें नाटा तो नहीं देंगे, पर देवी नीरा प्लस और इतने सारे बैक्टीरिया के साथ दे रहा है आइसक्रीम, मैं तो नहीं लूं। मैं भी नहीं लूं, बार बार टच हो रही है हाथ में, कौन खाए थी कभी? नहीं खाया भाई। लड़के तभी कम दिखते हैं आपको, लड़कियां दिखेंगी। 3D गेम जो VFX बॉक्स पहनाकर खिलाते हैं, VFX वाला गेम, ये ऐसे लड़का खेल रहा है। You don't want my heart, you don't want my love. ये मैं आपको दिखाया इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। मेनली जो लगा हुआ है वो है फिश का सेक्शन, और फिर उसके बाद खाने पीने का, और फिर थोड़ा झूले का। नॉर्मली सभी मेलों में होता है वैसे ही। हाँ भाई, ये था एक हमारा छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि हमने आपको पूरा एक्सप्लोर कराया अच्छे से, काफी ज्यादा मजा भी आया, इसमें कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिला हमें आगरा में। ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं।